तो T20 में इंडिया के लिए कोई भी खेले, लेकिन ओपनिंग तो शर्मा जी का लड़का ही करेगा, चाहे वो पहले रोहित शर्मा हो और अब अभिषेक शर्मा। बात तो सही है। हालांकि पिछले ही मैच में वो डक पर आउट हुए थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने कमबैक किया और केवल 46 बॉल्स में सेंचुरी कंप्लीट की। और इस सेंचुरी लगाने के बाद वो तीसरे ऐसे इंडियन प्लेयर बन गए जिन्होंने सबसे कम बॉल्स में सेंचुरी कंप्लीट की है, आफ्टर रोहित शर्मा एंड सूर्य कुमार यादव। और यहां तक उन्होंने शुरू के जो 50 रन बनाए थे वो 33 बॉलों में बनाए थे, और बाद के जो 50 रन बनाए वो केवल 13 बॉलों में बना दिए थे। यहाँ पर उन्होंने अपना खाता 6 रन से खोला, हाफ सेंचुरी अपनी 6 रन से बनाई और सेंचुरी भी उन्होंने छक्के से ही कंप्लीट की। क्या बात है सर। और उनके साथ गायकवाड़ ने 47 बॉलों में 77 रन की एक डिसेंट इनिंग खेली, और आखिरी में रिंकू सिंह ने केवल 22 बॉलों में 48 रन बनाए जिसमें उन्होंने 5 छक्के लगाए थे, और जिसकी वजह से टीम इंडिया इस मैच में 234 रन बना पाई और इस मैच को जीती 100 रन के बड़े मार्जिन से। बाकी शुरुआत से मैच की बात की जाए तो शुभमन गिल ने टॉस जीता और बैटिंग करने का डिसीजन लिया, और दूसरे ओवर में शुभमन गिल आउट हुए वो भी केवल 2 रन पे। लेकिन उसके बाद जो अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने इनिंग खेली भाई, वो कमाल की इनिंग थी, जहां पर अभिषेक शर्मा ने 47 बॉलों में 100 रन बनाए जिसमें 8 छक्के और 7 चौके शामिल थे। और पिछले मैच में डक पर आउट होने के बाद इन्होंने काफी अच्छा कमबैक किया। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए 47 बॉलों में 77 रन जिसमें 1 छक्का और 11 चौके शामिल थे। हालांकि ये दोनों प्लेयर शुरू में काफी धीरे खेल रहे थे और ऐसा लग नहीं रहा था कि 200 से ऊपर टीम इंडिया रन बना देगी, लेकिन आखिरी में आते हैं रिंकू सिंह जो कि केवल 22 बॉलों में 48 रन ठोक देते हैं जिसमें 5 छक्के और 2 चौके शामिल थे, जिसकी वजह से टीम इंडिया इस मैच में 234 रन बना पाई। और बाद में टीम इंडिया ने स्टार रेट को डिफेंड भी किया जिसमें मुकेश कुमार और आवेश खान के नाम रहे 3-3 विकेट, और बाकी रवि बिश्नोई ने निकाले 2 विकेट, जिसकी वजह से टीम इंडिया ये वाला मैच 100 रन से जीती और इस सीरीज में भी 1-1 से बराबरी कर ली है। और जब मैच खत्म होने के बाद अभिषेक शर्मा से उनकी इनिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैच से पहले मैंने शुभमन गिल से बैट लिया था और उनकी बैट की वजह से मैं इस मैच में शतक लगा पाया, और जब भी मुझे रन की जरूरत होती है मैं शुभमन गिल से ही बैट ले लेता हूं। बाकी अभिषेक शर्मा की इस परफॉर्मेंस के बारे में आपका कहोगे कमेंट सेक्शन में बता दो, और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।